अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच एच गेमर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। और आज मैंने अपनी 3 वीडियोस यूट्यूब में डाल चुका हूँ सोलो गेम की। आज मैं खेलूँगा डुओ गेम, जिसमें मैं अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। गेम फ्रेंड है, अनस भट्टी नाम है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने अपना डुओ गेम कैसे लगाया स्क्रीन में, आप पीछे करके देख सकते हैं अपनी वीडियो। और अभी मेरा गेम शुरू हो गया है, अभी मैं फिर से अपने लॉबी रूम में जाऊंगा, जैसे कि हर गेम में हर कोई जाता है। और अभी यहीं पे वही करेंगे जो करता रहता है, हर कोई करता है टाइम पास एज़ यूजुअल। और क्या कर सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी जर्नी और मेरी जर्नी इस यूट्यूब चैनल में और अपनी जर्नी आप इस गेम में अगर अच्छी करना चाहते हैं, अच्छी गुजारना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए एंड तक देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा, ताकि मुझे और मेरे चैनल को मोटिवेशन और सपोर्ट मिले। और अभी मेरा गेम शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। आज मुझे आपको वो जगह दिखानी जहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मेरी ख़ास जगह है इस बरमूडा मैप में। इंशाल्लाह आज मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वो जगह पीक के कॉर्नर में है, तो अभी वो कॉर्नर की कौन सी जगह है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप मैप में देख सकते हैं 1 लिखा हुआ आ रहा है, वो मेरा साथी है, वो पहले ही कहीं उतर गया है। अब मैं उतरता हूँ, अपनी जगह दिखाता हूँ आपको। ये नीचे आपको हट टाइप जगह दिख रही है, हट या घर जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। यहाँ पर मैं उतरता हूँ, देखें यहाँ पे एक और बंदा भी उतर रहा है। देखते हैं यहाँ पे कितने लोग मिलते हैं मुझे इस बंदे के अलावा। लेकिन एक बंदा और डिसाइड हो गया कि यहाँ पे है, उतर रहा है। यहाँ पे मुझे मेरी गन मिली है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ, सत्य वो बंदे ऊपर आए नीम खा से और निकल गए यहाँ से, तो मैं भी यहाँ से पीछे जाता हूँ। अगर होगा भी तो मैं पीछे से वार कर दूंगा उसका, तो गायब भी हो गया कहीं। वो नीचे मुझे बंदा दिख रहा हो, सत्य वो वही हो, उसका हेडशॉट लगा और वो गया। अच्छा, ये आपको पता है साथी वाला गेम है, तो इस वजह से यहाँ पे जब हम लोग मारते हैं तो उसको मौका मिलता है, जब बंदा जब सोलो में मर जाता है यहाँ पे मौका मिलता है, जैसे उसका साथी आके उसको रिवाइव कर दे। तो अभी वो इस वजह से अभी वो अलाइव है, अगर उसका साथी आके उसको रिवाइव कर दे तो वो बच जाएगा। इस वजह से मैं नज़र रखूँगा। मुझे नीचे एक और बंदा दिख रहा है, वो रहा, उसका भी हेड शॉट लिया मैंने और ये गया। 154 डैमेज मिल रही है उस हर किसी को हेड शॉट में। यहाँ मुझे एमओ मिली है, यहाँ पर मुझे एक और बंदा भी दिखा है, उनका हेड शॉट लेना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो क्रॉस भाग रहा था। मैंने नीचे का इस हट से सामान नहीं लिया, तो यहाँ पे मैं अभी वापस जा रहा हूँ कि इस हट में और क्या सामान है। हो सकता है मुझे हेलमेट मिल जाए, मेरे पास अभी हेलमेट नहीं है, कोई बैग भी नहीं है, कुछ ख़ास नहीं था नीचे भी। तो अभी मुझे बंदा दिखा था, उसका ही पीछा करता हूँ मैं। पीछे से किसी ने हमला किया है मुझ पर, अंगे वो रहा बंदा जिसने हमला किया था, उसको मैं मारता हूँ। और वो उसको भी, वो भी अभी लॉकडाउन, उसको भी मैंने गिरा दिया, वो भी मर गया। और एक और बंदा है, मर गया, इसका भी साथी में खाल से मर गया था, तो इस वजह से इसको मतलब सीधा मर गया। और यहाँ से मैं ये उठाता हूँ मशरूम, ये आपकी स्लोली स्लोली HP फुल करता रहता है। अगर आपकी कम हो, जैसे मेरे अभी 10 कम थी HP, तो ये आराम से अब कर रहा है। ख़ास तौर से मुझे वो मेडिकल किट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिखा ऊपर आते हुए, ये आ गया।
सो मारता हूँ इसको, हेडशॉट मारा मैंने, गया यहाँ से भी लटा दिया। और इसका साथी शायद वहीं पे कहीं है, जैसे वैसे ही देखे नीचे जा रहा है, करीब जा रहा है अपने साथी के। इस तरह से मैं पूरा नहीं मारता, हो सकता है मुझे एक और बंदा मिल जाए जिससे मैं जिसको मैं मार सकूँ। जिस तरह से मैं बंदे को पूरा नहीं मारता, थोड़ा डैमेज दे देता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द मर जाए। अभी मैंने मुक्का मारा तो वो मर गया। इसके बाद लेवल 3 का बैग था और एमोस भी थी। और यहाँ पे मैं एक और मशरूम है, देख इसको भी ईट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है, पता नहीं इसके साथी कहाँ है जिसको मैंने अभी मारा है। अरे ये क्या गन, पता नहीं कहाँ से चेंज हो गई मेरी। मैंने एक करीब की गन रखी हुई थी जिसे करीब से मार सकता हूँ, पता नहीं कौन सी गन आ गई है। मैप में भी रेड एरो बना हुआ आ रहा है, वहाँ पे मतलब कोई है, वो बंदा मुझे दिख रहा है सामने, उसको मारता हूँ। और मैंने गिरा दिया उसको भी, लेकिन ऊपर से पता नहीं कौन उसको मार रहा था, ऊपर भी नज़र रखता हूँ मैं, थोड़ा घूम के जाता हूँ इस हट के पीछे से। अरे यहाँ पे भी कोई नहीं है, उसका हेडशॉट लेने की कोशिश करता हूँ, लग क्यों नहीं रहा। इसका हेडशॉट नहीं लगता इस गन से, सर मुझे पसंद नहीं है ये गन, पता नहीं कहाँ से उस बंदे के पास होगी गलती से मैंने शायद उठा ली। ये मैं शॉट गन मिली है, मैं ये उठा लूँगा। और मेडिकल किट अभी मैं जो मेरे पास गन होता हटाई है मैंने उसकी, मैं बुलेट्स निकाल रहा हूँ ताकि मेरे पास स्टोरेज बन जाए बैग में। और देखते हैं अभी कोई और है या नहीं, दिख तो नहीं रहा कोई भी, लेकिन आंखें खुली रखनी चाहिए हर जगह हर वक्त। ऊपर रेड एरो बना हुआ आ रहा है मिल में, मगर वहाँ ऊपर जाना बड़ा काम है क्योंकि तो ये पहाड़ी है, यहाँ पे चढ़ने का अजाब होता है, सर टाइम भी बहुत लगेगा, सर मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। नीचे ही बंदे ढूंढते हैं, यहाँ पे बेड मिल गया, खास नहीं था कुछ। जिस बंदे को मैंने मारा था उसका मैं लूट देखता हूँ, उसके पास क्या था, कुछ काम का था या नहीं। मुझे एमओ मिल गई, कुछ खास नहीं था उसके पास। यहाँ पे मैं अपना एमओ फुल कर लेता हूँ, वो सॉरी मैगजीन। यार कोई भी नहीं है, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, अगर टाइम ज़ाया नहीं कर सकता मैं अपना, और वरना आप लोग बोर हो जाते हैं। अभी मैं ऐसे गाड़ी उठाता हूँ, गाड़ी में बैठूँगा ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ। मुझे किसी ने मारा है, थोड़ा डैमेज लगा मुझे। मैं पीछे छुपता हूँ पहले, कौन था वो बंदा मुझे दिख रहा है नीचे, उसका निशान लेता हूँ। और मर नहीं रहा, मर गया उसका भी मेरे ख्याल से साथी अलाइव नहीं था, तो इस वजह से वो सीधा जहन्नम वासल हो गया उसका। लेकिन लूट शायद काम आया मेरे, तो उसका लूट देखता हूँ क्योंकि तो मेरे पास बुलेट्स नहीं है। देखते हैं क्या है इसके पास। लेवल 2 का हेलमेट है, शॉर्ट गन की एमओ है, मेडिकल किट्स भी हैं, तो एक मेडिकल किट उठा लेता हूँ। एमओ ख़त्म हो रही है मेरे पास, और फिर से मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, चाहे यूँ ही निकलता हूँ अब मैं। काफ़ी हद तक रास्ता पार कर लिया मैंने, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ से भी अक्सर मेरे लोग दिख जाते हैं। देख सकते हैं आप मुझे आसपास में कितने लोग दिख गए, 7 किल्स कर दी मैंने, और टोटल उतरे कितने होंगे। उन्होंने भी खुद अपने हाथ आज अपने आप को मतलब दूसरे बंदों को मारा होगा खुद, कितने बंदे मार दिए मैंने।
यहाँ पे मुझे एमओ भी मिल गया लूट सा और ग्रेनेड भी मिला है और मैगजीन फुल कर लेता हूँ मैं अपना। यहाँ पे एक और ग्रेनेड मिल गया अब और तलाश जारी रखते हैं। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। चलो 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 निकलो। अच्छा एक और जगह बता दूँ यहाँ से मुझे क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे उतरता हूँ मैं तो, यहाँ पे मैं ऊपर हूँ पहाड़ी के ऊपर हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बंदा ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन अभी मैं क्योंकि काफ़ी देर से आया हूँ मैं तो इस वजह से यहाँ पे अब पता नहीं मिलेगा या नहीं कोई, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा मुझे जो लगता है। नहीं पीछे से फायरिंग हुई है, इसको मारता हूँ मैं, मार गया। और इसका लूट देखता हूँ क्या है इसके पास। कोई ना कोई ज़रूर मिलता है यहाँ पे मुझे, कोई एक होगा लेकिन होगा ज़रूर। अब निकलता हूँ यहाँ से मैं क्योंकि मुश्किल ही है यहाँ पे मुझे कोई मिले। फिर भी एक बार और नज़र डाल लेता हूँ और थोड़ा आगे आके देखता हूँ। फिलहाल तो कोई नहीं दिखा। अभी 4 अलाइव है, मैंने 8 किल कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों? अगर आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें मेरी वीडियो को। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और सपोर्ट मिलती रहे। यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिली है, इससे मैं अभी करके मेरा लेवल अप हो गया वेस्ट का भी और हेलमेट का भी। यहाँ पे देखता हूँ कोई बंदा है या नहीं, मैं दिख तो नहीं रहा कोई, तो चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखते हैं कोई मिल जाए शायद, कोई नहीं है। चले 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 सीधा निकलो सीधा। मैप काफ़ी बड़ा बचा हुआ है तो शायद इस वजह से मुश्किल ही हो रही है अब और बंदे दिख मिल नहीं रहे, लेकिन फिर भी आसपास में नज़र रखनी होगी। यहाँ पे भी कोई नहीं है, कहाँ पे हैं सारे? मेरे अलावा 3 अलाइव हैं, उनको भी कोई मिल नहीं रहा तो सर अभी तक 4 अलाइव बचे हैं मुझे मिला के। इसके बाद देखता हूँ कुछ नहीं है इसके पास। और एक और यहाँ पे लूट पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी खून खराब हुआ है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। देखता हूँ यहाँ पे कहीं जाता हूँ मिल जाए। हैरानी की बात है यहाँ पे मैदान में कोई मिल नहीं रहा, लेकिन बंदे भी काफ़ी कम अलाइव हैं थोड़ा सा और नहीं मिल रहा शायद। तो अभी चलता हूँ आगे वापस। वहाँ पे मुझे सामने एक बंदा दिखा है, आपको तो शायद दिखा हो, वो आगे निकल गया तो मैं उसको आगे से गिरने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखता हूँ कहाँ गया, कहाँ गया। वो बंदे सामने जाता हुआ दिख रहा है, उसको मैं अभी छेड़ूंगा नहीं, करीब जाके छेड़ूंगा ताकि उसको पता नहीं चले वो गिर लिया गया एकदम से, घबरा जाएगा वो। देखता हूँ मैं अभी जाके। यहीं पर कहीं होगा और यहाँ पे देखता हूँ, नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। कहाँ गया?
नहीं कहाँ गया? यहाँ नीचे देखता हूँ, यहाँ पर भी कोई नहीं है। वो रहा सामने, दिख गया मुझे, अभी बस निकला। क्या हो गया, क्यों मिल रहा इतना? ये मार देगा, शुक्र, बढ़िया। हेडशॉट मारे मैंने तो उसको, काफ़ी अच्छा खासा डैमेज हो गया तो वो मर गया। अभी 3 अलाइव हैं, मैंने 9 किल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी देखते हैं क्या है सीन। और कहाँ गए सारे? कोई भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पे भी कोई नहीं है। यहाँ से निकल के देखते हैं, कहीं आगे जाके देखता हूँ, यहाँ से ऊपर से देखता हूँ ऊंचाई से। बुआ ये कैसा है? ओ मैं कहा था वो स्टोर में मर गया, लेकिन अभी भी 2 अलाइव हैं। ये क्या है, अजीब चक्कर लग रहा है ये। चलें हमें तो बुआ मिल गया, और क्या चाहिए हमें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे और मेरे चैनल को मोटिवेशन और सपोर्ट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।